बोलो साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्ची अंजोता वाली माता तेरी सदा आही जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे अंतर्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। महामाई के पावन नवरात्रि चल रहे हैं और ये कथा की सीरीज भी चल रही है, तो आज हम बात करेंगे माता के चौथी शक्ति की, पावन कथा की, यानी कि चौथा स्वरूप, यानी कि माता कुष्मांडा की। कहा जाता है कि माता कुष्मांडा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माता है। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हंसी, हल्की हंसी के द्वारा अन्न यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी का नाम कुष्मांडा पड़ गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इसमें इन्हें कुमड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुमड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहते हैं। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अति अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर वक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे भक्त को सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो ये थी नवरात्रि के चौथे दिन की कथा। आशा करते हुए कथा आपके लिए उपयोगी साबित होगी, जरूर कथा का श्रवण करिए और अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे, माता रानी आपकी मदद करे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। माता रानी आपकी हर इच्छा पूरी करे।